हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। ऑप्टिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक होगा कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, इट मींस अवतल परावर्तन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। ग्रेटिंग का मीनिंग होता है कि एक स्लिट हम लेते एक हम कोई एक प्लेन लेते हैं, उसपे बहुत सी स्लिट होती है, इट मींस एन स्लिट जो होती है उसको हम ग्रेटिंग कहते हैं। ओके, एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें एन स्लिट होती है, और वो एन स्लिट भी हम कह सकते हैं कि पर इंच उसमें 15,000 स्लिट्स होती हैं, उसको हम ग्रेटिंग कहते हैं। ओके, सो बेसिकली जो ग्रेटिंग होती है, वो ग्रेटिंग हमने अलग अलग टाइप की अभी तक नहीं पढ़ी, और आज हम उसका एक डिफरेंट टाइप आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। अब सबसे पहले देखते हैं हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो फर्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक कॉनकेव सरफेस लेते हैं। ओके, अब कॉनकेव सरफेस हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, दैट इज अ कॉनकेव सरफेस, सॉरी कॉनकेव सरफेस। ओके, अब सरफेस जो है वो कॉनकेव है, और अब इसको रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए इसमें से लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जा रही है। ओके, पारदर्शी है इसलिए ट्रांसमिट हो जा रही है, एग्जिट हो जा रही है, बट अब तुमको क्या करना है, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट जैसा बनाना है, लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सके। तो हम क्या करते हैं, इस पे कोटिंग करते हैं, जो आप रेड कलर में हम देख रहे हैं, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे कोटिंग किया हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे हमने इसको कोटिंग किया है। अब कोटिंग ऐसे मटीरियल से करते हैं, रिफ्लेक्शन मटीरियल होता है उससे हम कोटिंग करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, कोटिंग किया, दिस इज अ कोटेड कॉन्वेक्स ग्रेटिंग है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये कोटिंग जो होती है वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होती है। ओके, ये जो कोटिंग हम करते हैं यहाँ पे वो एक रिफ्लेक्शन मटेरियल होता है। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि जब हम इस पे कोटिंग कर देते हैं, अब ग्रेटिंग तो ये बनी नहीं, बिकॉज ग्रेटिंग में तो स्लिट होती है। अब हम क्या करते हैं कि जो ग्रेटिंग है उस ग्रेटिंग पे क्या करते हैं कि जो कोटिंग्स है उस पे एक हम कह सकते हैं ऑल पिन कह दे हैं या फिर कोई पिन कह देते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि इक्वल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इक्वल विड्थ की और इक्वल स्पेसिंग की। इक्वल उनकी विड्थ होती है और इक्वल ही उनकी स्पेसिंग होती है, तो हम क्या करते हैं इनमें लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब लाइंस ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स आप देखें कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है। तो लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है वो आप यहां पे देखें, तो मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है इस टाइप से, यहां से इक्वल स्पेसिंग में इक्वल लेंथ की लाइंस जो होती है वो इस पे ड्रॉ की जाती है। सो यू कैन सी, तो कोटिंग पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पे वो क्या बन जाता है, इस टाइप से स्लिट बन जाती है, और ये बन जाती है इसकी स्लिट्स। अब इन स्लिट्स की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ स्लिट्स दैट इज इक्वल एंड स्पेसिंग ऑफ स्लिट्स दैट इज इक्वल, इट मींस ए एंड बी आर इक्वल। तो आप देखें क्या है ए एंड क्या है बी। सो मैं बात कर रहा हूं इसकी चौड़ाई के बारे में। सो ये जो है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे बी, ये जो स्पेसिंग जो है इसकी, ओके, यहाँ पे जो इसकी स्पेसिंग हो रही है, ये जो इसका स्पेस है यहां से यहां तक का, इस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे बी कह रहे हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे ए कह दिया। ओके, इस स्लिट की जो चौड़ाई है उसको हमने बी कहा है, और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस यानी स्पेस जो है उसको हमने ए कहा है। और आपको बता देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी जो होता है इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, दिस इज अ ग्रेटिंग एलिमेंट। और बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ स्लिट की, दैट इज कैपिटल एन, हमने ऐसा कंसिडर किया, लेट नंबर ऑफ स्लिट दैट इज एन। बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, हमने लाइंस ड्रॉ की है, लाइंस ऐसी ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ, लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉन, और लाइन हमने कैसी ड्रॉ की है, इक्वल विड्थ, सिमिलरली इक्वल स्पेसिंग,
उनके बीच की जो स्पेस है वो भी कैसी है, इक्वल स्पेसिंग है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो ग्रेटिंग है, इस ग्रेटिंग का यूज हम कैसे करते हैं, और इस ग्रेटिंग का यूज करके हम यहाँ पे इसके लिए जो डिफ्रेक्शन होता है वो डिफ्रेक्शन फाइंड करते हैं, और इमेज कंस्ट्रक्शन जो होता है, इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो इसके लिए हम क्या पे यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने उसको जो ग्रेटिंग हमने बनाई है उस ग्रेटिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है। अब इस ग्रेटिंग से क्या करते हैं कि ग्रेटिंग का पूरा एक सर्किल लेते हैं। बेसिकली ये जो ग्रेटिंग जो कॉनकेव सर्फेस है इसका ये पूरा एक सर्किल है। ओके, और इसका ये पूरा इतना बड़ा सर्किल ड्रॉ होता है, और इस सर्किल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां पे है। ओके, तो सर्किल का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस ड्रॉ करते हैं इस पे। तो बेसिकली मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ये जो है वो इसकी रेडियस हो जाएगी आर। ओके, ये जो है वो इसकी रेडियस आर हो जाएगी। बेसिकली ये भी इसकी रेडियस ही होगी, पर ये जो है इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसकी रेडियस को डायमीटर कंसिडर करते हुए, रेडियस को डायमीटर, देखना ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियस को डायमीटर कंसिडर करते हुए जो हमने रेड सर्किल जो है वो ड्रॉ किया है, ऐसा एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। रेडियस को हमने क्या कंसिडर किया, डायमीटर। इसका सेंटर यहाँ पे होगा जिसको मैं ओ कह देता हूँ, ओके, जिसको हम यहाँ पे चलो पी कह देते हैं, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर क्या करते हैं हम यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इस सर्किल को हम कहते हैं रोलैंड सर्किल। रोलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, और इसकी एक खास विशेषता भी है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रोलैंड सर्किल है, ये सर्किल बेसिकली होता क्या है। तो रोलैंड सर्किल जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डायमीटर कंसिडर करते हुए, ऑन कंसिडरिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर एज डायमीटर वी विल ड्रॉ द सर्किल। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड रोलैंड सर्किल। उस सर्किल को हम क्या कहेंगे, रोलैंड सर्किल कहेंगे। हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उस सर्किल को रोलैंड सर्किल कहेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस सर्किल पे ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट मीन्स जहां से लाइट आ रही है। अब उससे एक लाइट जो है वो इस ग्रेटिंग की, अब देखो यहां से तो लाइट जो है वो आगे पास हो जा रही है। ओके, वापस बता देता हूं आपको कि ये वाले जो डिस्टेंस है इसको हमने बी कंसिडर किया, और ये वाले जो डिस्टेंस इसको हमने ए कंसिडर किया है। ओके, स्लिट की जो चौड़ाई है यहां से यहां तक की उसको बी, और यहां से यहां तक जो है वो ए है। इक्वल है ये दोनों, इक्वल स्पेसिंग है, इक्वल इसकी हम कह सकते हैं जो है लाइन ड्रॉ की गई है, एन लाइंस इस पे ड्रॉ की गई है। और यहां से जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो रेड कलर की कोटिंग आप देख रहे हैं, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट जहां से हो रही है हम कह देते हैं इसको कैपिटल ए कह दिया, और इसको मैंने कह दिया कैपिटल बी। तो कैपिटल ए से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आई पे पहुंच रही है, सिमिलरली वो बी से रिफ्लेक्ट होके आई पे पहुंच रही है। और मैंने आपको कहा था कि इसकी एक मैं विशेषता बताऊंगा, और विशेषता यही है कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द रोलैंड सर्किल, ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द रोलैंड सर्किल, देन इमेज विल बी लाइज ऑन द रोलैंड सर्किल। जब हम, यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोलैंड सर्किल पर है, तो इमेज भी रोलैंड सर्किल पर ही होगी, ये जरूरी है। ओके, ये ध्यान रखना, ये हमेशा होता है इस पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करने के लिए मैंने आप इसका डायग्राम अलग से बना रखा है, और हम उसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर इमेज ओ, सॉरी ऑब्जेक्ट ओ, एंड दिस इज अवर इमेज आई। फिर हम क्या करते हैं कि ये ए है और ये बी है, ग्रेटिंग के दो पार्ट है जहां से लाइट आगे नहीं जा रही है। तो हमने क्या किया, इन पे दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, और यहां पे मैं इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये जो पॉइंट है वो क्यू पॉइंट हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि चलो इस पॉइंट को हम यहां पे एक्स पॉइंट नाम दे देते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पे हमने दो नॉर्मल ड्रॉ किए। अब नॉर्मल में ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा इसके लिए आर। सिमिलरली ये इसके लिए आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके लिए आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। ओके, अब एक चीज ध्यान रखें कि यहां पे रिफ्लेक्शन में नो लेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, मैं यहां पे कुछ चीजें जो है वो ऊपर लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट मैं लिख लेता हूं यहां पे आर जो है, ओके चलो नीचे लिख लेते हैं, यहां पे आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली कुछ चीजें आप यहां पे ध्यान रखें, कोई भी लेंस यहां पे यूज नहीं किया गया है, नो लेंस इज रिक्वायर्ड, यहां पे कोई लेंस रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, इस टाइप की जो ग्रेटिंग होती है उसको कहते हैं सेल्फ फोकसिंग ऑफ कॉन्वेक्स ग्रेटिंग, यानी कि ये सेल्फ फोकस करती है। सेल्फ फोकस का मीनिंग क्या हो गया कि रोलेंड सर्किल पे ऑब्जेक्ट है और रोलेंड सर्किल पे इमेज बन रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ फोकसिंग ऑफ कॉनकेव ग्रेटिंग। ये जो प्रक्रिया होती है ना, प्रोसेस, कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो रोलेंड सर्किल पे और इमेज भी जो है वो रोलेंड सर्किल पे बन रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फोकसिंग ऑफ कॉनकेव ग्रेटिंग, यानी कि अवतल जो ग्रेटिंग होती है उसके लिए स्वतः फोकस, ओके स्वतः फोकस की प्रक्रिया ये कहलाती है। फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो आप यहां पे देखें ये जो पूरी डिस्टेंस है दैट इज ए, और यहां पे ये जो पूरी है वो ए है, तो हम इसको ए बाई टू कंसिडर कर रहे हैं और इसको भी ए बाई, ये ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं कि रे जो है वो एकदम बीच में जा रही है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो बी है ही, और ये वाली जो पूरी लेंथ हो जाएगी दैट इज ए प्लस बी हो जाएगी ग्रेटिंग एलिमेंट के इक्वल, ओके। फिर हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए से इस लाइन पे, ओके यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सिमिलरली हम परपेंडिकुलर यहां से भी इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, ओके तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सो द पाथ डिफरेंस एट, हमको क्या करना है यहां पे, पाथ डिफरेंस निकालना है ना, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सो दैट the path difference between path difference at point i, जो i point है वहां पे path difference क्या होगा, तो आप यहां पे देखें delta is equal to ob plus bi, ये कैसे हुआ आप देखें, यहां पे देखो ob, ये ob से यहां पे आया फिर बी आई से यहां पे आया, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा ओ ए से लेके ए जो है सेकंड वाला पार्ट डिफरेंस है वो ज्यादा है, बिकॉज आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नजदीक में ए पॉइंट है और थोड़ा दूर जो है वो बी पॉइंट है, तो बी का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और इसमें से हम लेस करेंगे ओ ए प्लस ए आई को, ओके तो डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा हमको यहां पे क्या करना है, चलो एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं कि OB जो है उसको हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो OB को हमने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया, अब कौन सा पार्ट है वो आप यहां पे देखें, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि ये वाला जो पार्ट है इसको हमने नेम यहां पे इसको हम नेमिंग कर देते हैं, और ये पॉइंट जो हमने क्या क्या यहां पे नेम दिया इसको एक्स, तो इस हमने इसको जो है नेमिंग एक्स की है, तो आप देख सकते हैं कि हम OB जो है उसको क्या लिख सकते हैं, OB को हम लिख सकते हैं OX प्लस XB प्लस BI। अब कैसे आप देखें आप यहां पे कि OB वाले डिस्टेंस को हमने OX प्लस XB में ब्रेक कर दिया, सिमिलरली हम OA वाली जो डिस्टेंस है उसको भी हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, OA प्लस AI वाली जो इसमें डिस्टेंस है उसको हमने क्या इसमें कैसे कंसिडर किया है, यहां पे ये वाली जो डिस्टेंस है AX और यहां पे हो जाएगा AI, ओके ये हो जाएगा AX और AI, सॉरी AI को हमने AX प्लस XO में सॉरी XI में डिवाइड कर दिया, ओके फिर हम देखते हैं यहां से ओ ए इज इक्वल टू ओ एक्स, अब ओ ए इज इक्वल टू ओ एक्स कैसे है वो आप यहां पे देखें,
ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैं कह रहा हूं ओ एक्स, ओके सॉरी ओ ए, तो ओ ए वाले जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल कह रहा है, ये ओ एक्स के। तो ये वाले जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम यहां से, तो बेसिकली ये वाली जो पॉइंट है वो क्या होता है, इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं यहां से कि जो बी आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से आप देखें बी आई इज इक्वल टू एम आई। अच्छा एक बार बता दें आपको M क्या है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो M है वो यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट M है और ये पॉइंट जो है वो इसका N है, ओके। और M पॉइंट जो है यहाँ से ये जो एम आई है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कि जो बी आई जो है वो एम आई के इक्वल हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये ओ एक्स हो जाएगा, या ओ एक्स लिखनी चाहो एक्स लिखो या फिर एन लिख दो, यहाँ पे सब जगह हम क्या करते हैं यहाँ पे एन कंसिडर कर लेते हैं। चलो इसको जो है हमारा पॉइंट जो है वो पाथ डिफरेंस यहाँ पे एन तक आ रहा है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे एन लिख लेते हैं। तो ये जो पाथ डिफरेंस हो रहा है इसको हम यहाँ पे इस टाइप से ब्रेक कर लेते हैं कि ओ एन प्लस एन बी प्लस बी आई, सिमिलरली माइनस हो जाएगा ओ ए प्लस ए एम प्लस एम आई। फिर हमने यहाँ पे कहा कि जो ओ ए है दैट इज इक्वल टू ओ एन, ओके। सिमिलरली बी आई जो है वो एम आई के इक्वल हो जाएगा। एक्स पॉइंट जो है वहां से हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम एम और एन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, उन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे उन पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम ये वैल्यूज में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस एल बी प्लस सॉरी एल बी नहीं एन बी हो जाएगा, ओ ए प्लस एन बी प्लस एम आई, ओके। माइनस क्या हो जाएगा इसमें, ओ ए प्लस ए एम प्लस एम आई। अब यहां से ये वाले जो है वो कट हो रहे हैं, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी ओ ए, और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ओ ए जो एन ओ है यहाँ पे और यहाँ पे जो एन ओ है उसको हमने यहाँ पे इक्वल पुट कर दिया, ओके। इनकी वैल्यूज हमने पुट करके ये वाली जो है कंडीशन हम यहाँ पे लाए हैं, और डेल्टा जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज एन बी माइनस ए एम, ओके एन बी माइनस ए एम। आप देख सकते हैं एन बी कहाँ है, ये डिस्टेंस जो है आप एक बार ये जो डायग्राम है वो यहाँ पे बना रहा हूँ वापस, ये ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग है, यहाँ से इस टाइप से लाइट आ रही है और इधर जा रही है, सिमिलरली यहाँ से लाइट इधर आ रही है और यहाँ आ रही है। तो ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये ऐसे, सिमिलरली यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एन है ये एम है, ओके। अब ये बी है और ये ए है, तो बी एन बी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इनका क्या करना है हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यूज है वो हमको जो है वो कैसे मिलेगी वो आप यहाँ पे देखें, तो इनकी वैल्यू को आपको सीधे डायरेक्ट लिखना है कि एन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन आई। अब साइन आई क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ना इसके साथ में इसका, ओके यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना आई है, इंसिडेंट एंगल है। सिमिलरली जो ए एम है उनके साथ में आर एंगल बन रहा है, ओके ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन आर, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है एंगल आई और एंगल आर को, और उन ट्रायंगल्स को आप लेके इनकी जो वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको इस पे पुट करनी है। अब अगर याद रख सकते हैं तो इसको याद रख लें, क्योंकि इसके जो एंगल हैं वो यही आएंगे, आप थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए याद रख सकते हैं इसको, बस आपको एंगल जो है वो आई यूज करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन आई माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी साइन आर। सिमिलरली डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन आई माइनस ये हो जाएगा साइन आर। अब अगर इसका इमेज फॉर्मेशन देखना है आपको, इमेज फॉर्मेशन, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि कंस्ट्रक्ट जो इसकी कंस्ट्रक्टिव इमेज की जो कंडीशन होती है उसमें, तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू एन लैम्डा के, ये इक्वल हो जाएगा।
सो बेसिकली जो कॉनकेव ग्रेटिंग जो होती है उसकी जो संरचना है वो हमने यहाँ पे देखी, इसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा, इमेज फॉर्मेशन तक हम यहाँ पे डेरिवेशन किया है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।